अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ जॉइंट। स्टूडेंट्स, बेसिकली अ जॉइंट इज अ लोकेशन वेयर टू बोन्स मीट। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द लोकेशन वेयर टू बोन्स मीट, सो दिस इज कॉल्ड एज द जॉइंट। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द जॉइंट ओवर हियर। दीज आर द बोन्स दैट मीट एट अ पॉइंट, वी विल से दैट दिस इज जॉइंट। You can also observe the joint in this diagram. Two bones meet, we will say that this is joint. So whenever we talk about the location of the joint, it is basically the two or more bones make a contact to form a joint. So student, this is the location of the joint, and now we will discuss what is the function of the joint. The joints allow the movement and provide the mechanical support. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जितनी भी मूवमेंट होती है वो जॉइंट्स की वजह से होती है। अगर आपकी बोन एक स्ट्रेट बोन हो और उसमें कोई जॉइंट ना हो, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बेंड योर आर्म और स्ट्रेट योर आर्म। सो इट अलाउ द मूवमेंट एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। जो हम लोगों की आर्म्स को या फिर हम लोगों के जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे जितनी भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है वो मैकेनिकल सपोर्ट जॉइंट्स की वजह से है। After that we will discuss the classification of the joints. We can say that in how many types we have classified the joints. Basically students, the joints are classified on the basis of the degree of movement. Joints को हमने degree of movement पे divide किया है। degree of movement का क्या मतलब है कि एक joint कितनी ज़्यादा movement show कर सकता है और कितनी direction में movement show कर सकता है। So इसी base पे हमने joints को divide किया है, या फिर ऐसा है कि वो मूव कर ही नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेन क्लासेस ऑफ द जॉइंट। द फर्स्ट वन इज द इमूवेबल जॉइंट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड जॉइंट। द सेकेंड वन इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड द थर्ड वन इज द मूवेबल जॉइंट। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द इमूवेबल जॉइंट। सो स्टूडेंट्स, वेन वी टॉक अबाउट द इमूवेबल जॉइंट, द वर्ड टेल अस इमूवेबल। इम मीन्स not moving, so this joint is the joint that will not move. It is a fixed joint, so we will say that it is immovable joint. This is a joint that allow no movements. ये कोई movement allow नहीं करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, immovable joints. These are the joints that are present between the skull bones. As you can observe in the diagram, these are the joints that are present in the स्कल। सो स्टूडेंट्स, ये वो जॉइंट्स हैं जो फिक्स जॉइंट हैं और ये मूव नहीं करते हैं, सो इनको हम कहते हैं कि ये इमूवेबल और फिक्स जॉइंट हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द स्लाइटली मूवेबल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम स्लाइटली का वर्ड यूज करते हैं, दीज आर द जॉइंट्स, दे विल मूव स्लाइटली, और ये स्लाइटली मूवमेंट शो करेंगे, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट वो शो करते हैं। अब ये वाले कौन से जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्री। जो हम लोगों की वर्टिब्री हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रीज प्रेजेंट हैं, वहाँ पे जो जॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शो करते हैं। लाइक अगर आपने देखा, आप अपने आप को बेंड कर सकते हैं, आप फिर स्ट्रेट हो सकते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्री। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, एंड वी कॉल दीज आर द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। क्योंकि ये हम लोगों को, हम इसकी वजह से बेंड भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। ये थोड़ी हमें हेल्प करते हैं मूव करने में, और ये थोड़ा सा मूव करते हैं जॉइंट्स, सो दे आर कॉल्ड एज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मूवेबल जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, when we talk about the movable joints, these are the joints that allow the variety of movements. It's mean कि ये वाले joints वो joints हैं जो सब directions में या फिर बहुत ज़्यादा variety दिखाते हैं movement में, so इन joints को हम कहते हैं these are the movable joints. Movable joints को further divide किया गया two types में। the first one is the hinge joint and the second one is the ball and socket joint. as you can see over here, hinge joint and ball and socket joint. When we talk about the hinge joint, students, these are the joints that move back and forth
इन वन प्लेन। आप इस तरह कह सकते हैं कि ये वो जॉइंट्स हैं जो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी आर्म की एग्जांपल लें तो आप अपनी आर्म को किस तरह मूव कर सकते हैं, आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। सो हियर द हिंज जॉइंट्स आर प्रेजेंट एज यू कैन सी ओवर हियर। अगर आप देखें तो ये वाले जॉइंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट्स। और कहाँ पे मूव करें, ये मूव करते हैं इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ। सो दीज आर द हिंज जॉइंट्स। ये हमारे एल्बो जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नी जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा एंकल में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप टखना कहते हैं, वहाँ पे भी ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हिंज जॉइंट कह रहे हैं। ये बेसिकली बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और वन प्लेन में मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप डैट वी विल डिस्कस ऑफ द मूवेबल ज्वाइंट इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे नेम से हमें पता चल रहा है, एक बॉल सी है जो कि एक सॉकेट में एग्जिस्ट करती है। सो ये वो ज्वाइंट्स है जो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये देखेंगे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉकेट, इस सॉकेट में प्रेजेंट है ये। सो दैट्स वाई वी कॉल देम द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये वो ज्वाइंट्स हैं जो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपके शोल्डर में। अगर आप अपने शोल्डर्स को देखें, आप अपनी आर्म को ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अगर आप शोल्डर रीजन से रोटेट करना चाहें, मैं आर्म को बेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्म को रोटेट करने की बात कर रही हूँ फ्रॉम द शोल्डर रीजन। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट दैट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन। और ये इसके अलावा हिप रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है जो आपकी नेक रीजन के बारे में है, नेक जॉइंट्स के बारे में। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री, दे अलाउ द हेड मूवमेंट इन साइड टू साइड डायरेक्शन। जो आपकी हेड की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, साइड टू साइड डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट्स। लेकिन आप अगर इमेजिन करें कि आप अपनी, आप सपोज अभी तो आपकी नेक में कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यू कैन मूव योर नेक इन साइड टू साइड रीजन। बट व्हाट हैपन इफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट ओवर देयर। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कैसा होगा कि जब आपके नेक में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट हो तो। सो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू हैव द आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्या होगा आपकी नेक के साथ, आपकी नेक मूव कर सकेगी इन ऑल डायरेक्शंस। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट इफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, सो व्हाट हैपन, द नेक कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन जॉइंट एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स विद एग्जाम्पल। इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको डिफाइन जॉइंट है, आपने इसमें सबसे पहले जॉइंट से लेकर मैकेनिकल सपोर्ट तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। वैसे बेसिकली यहाँ तक डेफिनेशन है और ये फंक्शन आगे, और उसके बाद आपने इसको इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। ये थ्री क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट टॉपिक आपका इसका आंसर होगा। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, उसमें आपने अगर डेफिनेशन लिख देंगे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख रहे तो फिर आप टाइप्स लिखेंगे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, और फिर आप इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स भी लिखेंगे। लेकिन जो बेस्ट भी होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो यही है कि अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी आती है लेकिन आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी गई तो आप उसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, डैट इज़ नॉट एन इशू। सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ द जॉइंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर भी है, जो आपके एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें आपने ये तीनों टाइप्स लिखनी है और आपने इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। और इसके अलावा जो लिगामेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, लिगामेंट और टेंडन से रिलेटेड, उसमें आपने लिगामेंट और टेंडन का फंक्शन बताना है और उनको डिफाइन करना है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, कम्प्लीट टॉपिक बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री, दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड द रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बेसिकली टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के ही बैंड्स होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, एंड दे आर द बैंड्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द टेंडन एंड द लिगामेंट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दैट हाउ दीज
tendons and the ligaments are attached with the bone or the muscles. कौन bones के साथ attach होता है और कौन muscles के साथ attach होता है. So when we talk about the tendons, remember one thing, the tendons are the tough bands of the connective tissue and that attach muscle to the bone. Tendons क्या करते हैं, मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ. As you can see in the diagram, ये देखिए ये मसल है, ये मसल है और ये बोन है. ये मसल टू बोन की जो अटैचमेंट है डैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंडन. ये टेंडन की वजह से है. होता क्या है, ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा पुलिंग फोर्स. और इसकी पुलिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो बोन इसके साथ अटैच है ये मूव करेगी. व्हाट हैपन व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, द टेंडन एग्जर्ट द पुलिंग फोर्स ऑन द अटैच्ड बोन, देन द बोन मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच वी वांट टू मूव द बोन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंडन. स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द लिगामेंट, बेसिकली द लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सीबल बैंड्स. दे आर ऑल्सो द बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बट दे आर स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्सीबल बैंड्स एंड दे अटैच बोन टू बोन. यहाँ पे अगर आप देखें ये आपकी नकल्स हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं बेसिकली उनमें के ये जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ये इन जॉइंट्स में लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं और ये बोन टू बोन की अटैचमेंट है. ये बोन और इसके दरमियान क्या प्रेजेंट हैं, लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं बट फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के. और हमने ये भी पता चल गया कि बोन टू बोन अटैचमेंट है. इनका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं डिसलोकेशन से. डिसलोकेशन से प्रिवेंट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं जो वो अपनी जगह से ना हिलें, तो इसको हम कहते हैं वो डिसलोकेट नहीं होते, दे रिमेन ऑन देयर ओन पोजीशन. सो इनका ये काम है कि जो बोन्स जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं वो वहीं पे प्रेजेंट हों. ये बेसिकली हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट डिसलोकेशन. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द लिगामेंट एंड द टेंडन. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. इसमें आप पहले इनकी डेफिनेशन लिखेंगे. आप यहाँ पर देखें, टेंडन्स आर टफ बैंड्स एंड अटैच मसल टू बोन. ये टेंडन की डेफिनेशन है. और लिगामेंट्स की डेफिनेशन यहाँ से, लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग यहाँ से लेकर जॉइंट्स तक, ये लिगामेंट की डेफिनेशन. और इसके आगे इनका फंक्शन लिखा हुआ है. अगर आपसे ये पूछा जाए, सिंपल डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे. इसके अलावा अगर आपसे इस तरह पूछा जाए, व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच, तो उस वक्त आपने क्या करना है, इनका फंक्शन भी साथ लिखना है. स्टूडेंट्स और डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा. ये मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे. होप सो इट विल बी क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.